भगवान कोई डरावनी वस्तु नहीं है, भगवान कोई भया वया नहीं है। आप भगवान को गाली देंगे ना तभी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान कुछ नहीं कहते। तो कोई बात नहीं, नास्तिकों को भगवान ने कुछ कहा है? नास्तिक भी उन्हीं के दुनिया में जी रहे हैं, और जैसे आस्तिकों के लिए जो भी है उनका भाग्य, तो भाग्य के अनुसार नास्तिकों को भी भगवान दे रहे हैं। नास्तिक अब भूखा मरता है, जो भगवान को गाली देता उसको भी कुछ नहीं कहते, उसको भी सब दे रहे हैं व्यवस्था। चाहे तो भगवान एक दिन मिनट में उसको अटैक कर दें, ब्रेन एमरेज कर दें, कुछ भी कर दे, नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे हैं, चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, हैं भगवान की सब। एक बच्चा नास्तिक है या माँ को नहीं मानता तो माँ थोड़ी उस बच्चे का बुरा चाहेगी, तब भी माँ को जो नहीं मानता उसका भला ही चाहेगी। बिल्कुल। एक बच्चा नालायक निकला है तब भी माँ उसका भला ही चाहेगी, बुरा नहीं चाहेगी, यही सोचती रहेगी ये सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, नहीं बुरा करेगी ना बुरा चाहेगी। माँ रिपोर्ट लिखवाएगी पुलिस में? नहीं। मेरे बच्चे ने मुझको थप्पड़ मारा नहीं कर लगाएगी ना, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवा सकती। भले कितना भी नालायक बच्चा क्यों ना हो, माँ की ममता कम नहीं होती। इसी प्रकार माँ की ममता से भी अनंत गुना अधिक ममता परमात्मा में, चाहे कोई नास्तिक भी क्यों ना हो, कितना भी गलतियां करता हो, तब भी भगवान उसको रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की सब संतान है, अच्छी क्या बुरी क्या। हाँ, जो नरक नुरक जाता है वो भगवान ही भेजते, वो व्यक्ति अपने कर्मों से जाता है। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो टीचर थोड़ी फेल करता है, या पेपर चेक करने वाला थोड़ी फेल करता है, फेल वो अपने कर्मों से होता है। कोई उसका पेपर जिसने चेक किया है काटा है तो उसने कोई अपनी तरफ से थोड़ी फेल किया, वो तो अपने कर्मों से फेल हुआ। इसी प्रकार हम अपने कर्मों से दुख पाते हैं, अपने कर्मों से नरक में जाते हैं। भगवान किसी को नरक नहीं भेजते, ना भगवान किसी को कुछ दुख देते हैं। भगवान के पास दुख है ही नहीं, देंगे कहाँ से? जिसके पास जो चीज़ है वही तो देगा ना। भगवान के पास दुख नाम की कोई चीज़ नहीं, इसलिए भगवान किसी को दुख दे सकते नहीं, है ही नहीं उनके पास, दुख देंगे कैसे? उनके पास तो आनंद है, कृपा है, बस वो हम लेते नहीं हैं इसलिए हम दुख रहते हैं। बाकी भगवान कोई भयानक चीज़ नहीं है कि आपने भगवान का कोई अपराध कर दिया, आपने पूजा गलत रीति से कर दी, भगवान नाराज हो गए। और अक्सर मैंने देखा घर में कोई भी गलत कुछ हो जाए, हानि हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं, कोई भक्ति में कोई विघ्न पड़ा, कोई भक्ति गलत हो गई, कोई पूजा में कोई कमी आ गई, जो भगवान ने ऐसा कर दिया। बिल्कुल चिंता ना करो, भगवान कभी नहीं बुरा करते, बुरे हमारे अपने कर्मों से होता है। भगवान की भक्ति जिससे जैसी बने करें, भक्ति में कोई त्रुटि हो जाए भगवान कोई नाराज नहीं होते।